लॉकडाउन के चलते राशन दुकानों में 3 महीनों का राशन मुफ्त मिलने की घोषणा की है, मगर उसे पाने के लिए जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिए इन बीसीएन न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। साथ ही बीपीएल धारकों को अति आवश्यक वस्तुएं की किट भी दी जा रही है। सरकार की इस घोषणा का पालन हो रहा है क्या, ये देखने हमने गुरुवार को दक्षिण नागपुर क्षेत्र के राशन दुकानों का ग्राउंड रिपोर्ट किया। इसी क्षेत्र के शिवसेना के पदाधिकारी दीपक पोहाने ने हमारे साथ जायजा लिया। हमारी टीम ने दक्षिण क्षेत्र के 2 राशन दुकानों का जायजा लिया। पहले दुकान में तो लोगों की लंबी कतार लगी थी, वो राशन भी दे रहा था, मगर लोगों से बर्ताव उसका बराबर नहीं था। उसने एक 80 साल के बूढ़ी महिला को राशन कार्ड नियमितता खत्म हो गए करके बताया, उसे वापस भेज दिया था, मगर हमारी टीम ने और सेना पदाधिकारियों ने उसे बुलाकर उसे जवाब मांगा। हमें देख उसने बताया कि उसने उस महिला का नाम मुख्य कार्यालय में भेज दिया है, मगर 80 साल की इस महिला के घर पर कोई भी कमाने वाला नहीं है। ऐसे में वो कब तक कार्यालय के जवाब का इंतजार करेगी। आखिरकार हमें उस महिला को न्याय दिलाने में सफलता मिली। दुकानदार ने उस बूढ़ी महिला को 5 किलो चावल दिए, मगर उस दुकानदार ने हमें जो किट की लिस्ट दिखाई वो संदेह में है। उस पर सभी के नाम और हस्ताक्षर तो थे, मगर उसे दोबारा लिए गए ऐसा लग रहा था। लॉकडाउन के कारण जनता दाने दाने के लिए मोहताज हो गई है। लोगों को राशन तो मिल रहा है, मगर उनका कहना है कि अनाज कब तक रहेगा, ये सवाल वहां खड़ी एक महिला ने पूछा था। उसका बोलना था कि दुकानदार उन्हें बार बार राशन नहीं देता। इस लॉकडाउन के कारण मजदूरी करने वाले लोग हताश हो गए हैं। कुछ ही नहीं 2 वक्त का खाना मिल जाए, इसीलिए कड़ी धूप में घंटों राशन के कतार में खड़े होते और उनकी मायूसी ऐसे सामने आती है। हमारी टीम ने उसी क्षेत्र की दूसरे दुकान का जायजा लिया। वहां तो मशीन का बहाना कर एक व्यक्ति को 2 लोगों का चावल दिया गया, मगर उसके राशन कार्ड पर 3 लोगों का नाम लिखा है। मुझे नेहमी 3 माणसाचे अन्न भेटत होता, पण काल काय झालं, फेरी वाले जे तांदूळ घ्यायचे होते ते 2 माणसाचे दिलं होतं। आता तुम्ही आल्याबद्दल, म्हणजे तुम्ही आले म्हणून 1 माणसाचे भेटलं, नाही तर नाही। काल म्हणे मशीन 2 माणसाचे काढत आहे म्हणे, बिल 2 माणसाचे, मी तरी म्हणलो तर 3, तर त्याचे कार्डवर लिव नाही होतं, ते आले 2 केला। अच्छा, हे आले इथे 3 होते, 2 केला। इस बारे में हमारी टीम ने दुकानदार से पूछा तो उसने बताया कि कल दुकान पर जो व्यक्ति बैठा था उसने गलत नंबर डाल दिया, इसी वजह से ये हुआ है। होने की वजह से 2 का मिला, इसलिए अभी 2 का दिए, नहीं तो हर महीने उनका 3 का देते, 3 का उनका बयान, उनसे पूछ लीजिए कि 3 का माल मिलता कि नहीं, पूछ लीजिए पहले उनसे। बोला कल की हर दिन 3 का देते हैं हर महीने, तो अभी क्यों नहीं, तो नहीं बोले, वो गलती से 3 का दिया, बोले अब 2 का करके कार्ड के भी 2 का कार्ड पे 2 कर दिया। फिर नहीं तो बीच में उनके भी बयान लेना पड़ेगा ना, मैं जो बात बोल रही क्लियर बराबर बोल रही कि नहीं वो तो पूछ लो कि 3 का माल हमेशा मिलता कि नहीं। 1 नंबर गलत की वजह से 2 नंबर के व्यक्ति की आरसी थी, तो 2 नंबर का माल दिया गया, 2 व्यक्ति का माल दिया गया उनको, नहीं तो हर महीने 3 का दिया जाता, उनसे पूछ लीजिए 3 का माल मिलता कि नहीं। हाँ, अनाज 3 का मिला ना, क्योंकि हमको डाटा में 2 ही नजर आया करके हमने 2 का किए थे, वरना 3 का रहता था, 3 का हमेशा उनको दिया जाता। मगर शासन की ओर से सभी राशन दुकानदारों को 1 मशीन दी गई है, उसमें पूरा विवरण रहता है और थंब से ही उसे इस्तेमाल किया जाता है। इतना रहने के बाद भी ये गलती कैसे हो सकती है। आखिरकार दुकानदार ने अपनी गलती मानते हुए उसके बचे चावल दे दिए। प्रॉब्लम असा झालेला आहे दादा की ज्या कार्ड धारकांना ज्यांच्या आता सेंद्रिय कार्डावर 3 लोकांचे नाव असते, तर त्या 3 लोकांमधून त्यांना 15 किलो धान्य मिळायला पाहिजे, पण कंट्रोल धारक धान्य आलेलं नाही किंवा कमी आहे अशा प्रकारच्या गोष्टी सांगून त्यांना ते 10 किलो देतात। प्रत्येक एका परिवारामागे ते 5 किलो अन्न दाबण्याचं काम हे आज सुरू आहे, आणि त्याचप्रमाणे जे किट वगैरे आलेली आहे अतुंदय लोकांसाठी ती वाटल्या जात नाही आहे, खूपशा ठिकाणी एवढेच होते तेवढेच होते ह्याच प्रकारचं उत्तर देऊन ते वाटतात आहे, आणि असाच प्रकारचा घोळ सुरू आहे। कंटिन्यू माझ्याकडे लोक येत आहेत, त्या कल्पने माझ्याकडे जे लोक आले मी त्यांना घेऊन कंट्रोलवर आले असता आमच्या लक्षात आलं की कंट्रोल धारकांनी सांगितलं की आमच्या हाताने चुकी झाली, चुकीने तो नंबर म्हणजे मागेपुढे झाल्याच्या याने त्याला प्रत्येक महिन्याला 3 किलो म्हणजे 15 किलो जे मिळायला पाहिजे ते मिळत होतं, ह्याच वेळेस चुकीनं ते झाल्यामुळे त्याला 10 किलो देण्यात आलं असं त्यांना मान्य केलं, आणि आता आम्ही त्यांना सांगितलं की यानंतर अशा प्रकारचं कोणतंही काम करू नका, कारण आता सध्या जनतेला गरज आहे, कारण ज्यावेळेस कंट्रोलमध्ये कोणताच व्यक्ती येत नव्हता आज अशी परिस्थिती आली आहे का ज्याला धान्याची गरजही पडत नव्हती तोही व्यक्ती आज कंट्रोलमध्ये धान्य घ्यायला येतो आहे, म्हणून कंट्रोल धारकाची हे म्हणजे स्वतःहून हे कार्य त्यांना करायला पाहिजे की समोर येऊन लोकांना मदत करायला पाहिजे, एवढंच बोलतो। राशन दुकानों में जो जनता आ रही है वह अपना हक दुकानदारों से मांग रहे हैं।
वो उनका अधिकार है, इसलिए सभी दुकानदारों ने उन्हें सहानुभूति से बात कर उनके समस्या का हल करना चाहिए और जनता ने भी जल्दबाजी ना करे। आपके हक का राशन आपको ही मिलेगा, इसीलिए दुकान पर जाकर भीड़ ना करें, शासन ने दिए नियमों का पालन करें। कोरोना वायरस का संक्रमण ना हो इसके लिए सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की है। महाराष्ट्र की कोरोना की परिस्थिति देख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक पूरा लॉकडाउन किया है। ऐसे में जो मोल मजूरी करते हैं उन्हें अनाज मिले, इस उद्देश्य से सरकार ने राशन दुकानों से 3 महीने का राशन देने की घोषणा की है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।